सत श्री अकाल दोस्तों। सो आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। कोविड बहुत बढ़ गया है इंडिया में, मैं न्यूज़ देखता हूँ। तो दोस्तों, मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है तो आप वर्क फ्रॉम होम ही कीजिए, ठीक है? या फिर आप मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, ठीक है? बिकॉज़ एक बारी कोविड, मुझे भी एक बारी कोविड हुआ था। इसमें जो नया वेरिएंट है गाइस, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है? माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बट स्टिल, अगर हम उसे अवॉइड कर सकते हैं तो क्यों ना अवॉइड किया जाए। क्योंकि अगर आप कहीं पर रोड पे भी चल रहे हो तो अगर आप हल्का सा छींक दो या खांस दो ना, तो लोग आपकी तरफ ऐसे देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आई एम द कल्प्रिट। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो गाइज़, ये वीडियो जस्ट एक इसलिए बना रहा हूँ मैं कि क्या यहाँ पे रेफरेंस सच में बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे ऐसे जॉब मिल जाएगी, या क्या सिस्टम है, कैसे आपको करना पड़ेगा। सो गाइज़, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका यहाँ पे रेफरेंस होता है ना, तो रेफरेंस से आपको आपका जो सीवी है बहुत ही जल्दी, ठीक है, उस कंपनी के, उस बंदे की कंपनी जिसमें वो काम कर रहा है, ठीक है, उसके मैनेजर तक बहुत इजीली पहुंच जाता है गाइस, ठीक है? तो जिससे कि वो मैनेजर, अगर आप वो कंपनी हायर कर रही है, तो मैनेजर डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लेता है, कॉल कर लेते हैं गाइस वो, ठीक है? तो आपको इंटरव्यू के लिए आपका शेड्यूल हो जाता है इंटरव्यू, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होती उसमें। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट गाइस, कि अगर आप वैसे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करते रहते हैं, तो होप मत लूज़ कीजिए गाइस, क्योंकि टाइम तो लगता ही है, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर आप वैसे अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी रिस्पांस ना मिले, पर लेकिन रिस्पांस मिलेगा ज़रूर, ठीक है? और आपको वाकई में मतलब आपको पॉजिटिविटी आएगी कि यार, अगर मेरे पास एक ऑफ़र आया तो और भी ऑफ़र आ सकते हैं मेरे पास, ठीक है? बट अगर आपका रेफरेंस नहीं भी है यहाँ पे, तो गाइस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटिंग फर्म्स जो होती हैं वो बिना पैसे लिए वो करवाती हैं, ठीक है? जिनका मैंने आपको लिंक भी दिया है, ठीक है? मैं और भी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं आपको और भी दूंगा लिंक्स इसके अंदर गाइस। गाइस, कई कंसल्टेंसी तो ऐसी होती हैं यहाँ पे जो पैसे भी लेती हैं और आपके साथ मतलब बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, ठीक है? 200, 300 दिरहम, 500 दिरहम तक भी ले लेते हैं, ठीक है? मोस्टली जो गाइस यहाँ पे जॉब्स है ना, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं, जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक जस्ट एक बात बताता हूँ कि मेरे को ट्रैकिंग का भी यहाँ पे ऑफर आया था, ठीक है? बट अगेन, मुझे समझ नहीं आती कि उसमें मतलब पैसे क्यों देने पड़ते हैं, ठीक है? ऑल्दो काम ठीक है, वो जेन्युइन है, बट लेकिन ट्रैकिंग में भी मुझे मतलब ऐसे कुछ लोग मिले हैं, ठीक है, जो मतलब जिस जिसके लिए पहले 9,000 अप टू 10,000 दिरहम्स भी देने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है? यहाँ पे सो गाइज, वो काम जेन्युइन होता है, ठीक है, बट उसमें कुछ कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, तो आई डोंट नो कि मतलब वो क्यों एम्प्लॉय को पे करनी पड़ती है, जबकि ऐसा होता नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है? प्लस टैक्सी में भी गाइज ऐसा ही है यहाँ पे, ठीक है? टैक्सी में भी आपको पहले लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सारा कुछ होगा। चलो, लाइसेंस का तो गाइज समझ में आता भी है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब उस बाकी वो जो सो जो कॉस्टिंग है वो कहाँ जा रही है, या पता नहीं कैसे मतलब वो हो रहा है वो। इसलिए गाइज मैं आपको कहता हूँ कि आप ट्राई कीजिए कि यहाँ पे जो जॉब है लेने का, ठीक है, वो या तो वो खुद आपकी प्री अरेंज्ड ऑफर हो किसी रेफरेंस के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करते रहें। ऐसा नहीं है गाइस कि ऑनलाइन अप्लाई करोगे आपको एक भी कॉल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना गाइस, तो आपको 100% आपको कॉल तो आएगी आएगी, हो सकता है बेकार कंपनी हो सकता है बिना रेफ गाइस देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको इस तरह से जॉब मिली है जो बिल्कुल जिनके पास कोई भी रेफरेंस नहीं था, ठीक है, और उनको काफ़ी अच्छी कंपनीज में जॉब मिली है, ठीक है, और मॉल्स में भी जॉब कर रहे हैं कई लोग, सो रिटेल में। तो इसलिए गाइज, रिटेल की मेरे को अच्छी लगती है यहाँ पे जॉब, बिकॉज एक तो गर्मी में आपको इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, मॉल्स में ही काम करना है, अच्छा इंसेंटिव मिल जाता है गाइज, ठीक है? जितने आप वही पैसे खर्च करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जॉब लोगे डिलीवरी राइडर की या कुछ, ठीक है, तो गाइज उसके बाद आपको फिर धूप में भी तो बाहर घूमना पड़ेगा ना, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स वर्थ इट, ठीक है, उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे।
ये मेरे को गाइस, मेरे को तो देखो समझ में नहीं आता है, ठीक है, बट मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, और भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, ठीक है, सो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट हो इन फील्ड्स में जाने का, बिकॉज होता है कहीं को इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें जाने का ऐसी बुरी बात नहीं है, तो आप इसमें जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जा सकते हैं, इसमें कोई भी जा सकता है गाइस, ठीक है गाइस, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ HR के पर्सनल ईमेल एड्रेसेस, जो बेसिकली कंपनी के ग्रुप के ईमेल एड्रेसेस होते हैं, करियर साइट के भी ईमेल एड्रेसेस होते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कोई ऐसी वीडियो में डालूंगा, तो उसमें आपको नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और गाइस उस पर भी डिपेंडेंट मत रहिएगा, ठीक है, आप खुद भी ट्राई कीजिए, ठीक है, मिल जाती है गाइस, ठीक है, वेबसाइट्स जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इंडीड है, यहाँ पे गल्फ टैलेंट है, डुबीजल है, ठीक है, और भी गाइस यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि अब नई एक ऐप आई है स्किल बी, ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे जो मार्केट है वो सच में लो है अभी, ठीक है, तो मार्केट तो गाइस ऑल ओवर वर्ल्ड लो है, ठीक है, आप मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो यूरोप में भी रहते हैं, जो कनाडा में भी रहते हैं, आप जिससे भी आप पूछोगे ना, ठीक है, तो उसको ऐसा ही लगता है कि शायद घास उस तरफ ज़्यादा हरी है, पर ऐसा नहीं है गाइस, अगर आपको यहाँ पे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी ना, तो यहाँ पे भी आपके लिए मौज है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है गाइस आपके लक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लक बहुत काम करता है, यहाँ पे मैंने गाइस ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, स्टिल देयर सिटिंग ऑन अ मैनेजेरियल लेवल, ठीक है, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास बहुत स्किल है, हुनर है, काम उन्होंने किया, उनको आता भी है, पर स्टिल उनको इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही ना, वो अच्छी पोजीशन पे हैं। सो मेरी गाइस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, तो थोड़ा बैकअप ही लेके आना, ठीक है, इस टाइम में। बाकी गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे आप आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, यहाँ बहुत दिक्कत है, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कैसे आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं, ठीक है, वीज़ा की कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं यहाँ पे, हो सकता है कि कुछ पैसे खर्च करने पड़े, बट लेकिन वो पैसे खर्च करने के बाद आपके पैसे वो ज़ाया नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेन दिक्कत पता है इस टाइम क्या है गाइस, कि यहाँ पे जॉब्स तो मिल रही हैं, बट लेकिन एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि आपका खुद का वीज़ा हो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा खुद का वीज़ा कैसे लेना चाहिए और लेना सही है नहीं है, या अगर मतलब क्या आपको चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है, मैं आपको ये सब चीज़ बताऊंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के वीज़ा यहाँ पे मिल सकते हैं, और आपको फिर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ सकते हैं, और बिज़नेस के हालात कैसे हैं यहाँ पे, बिज़नेस करना सही भी है या नहीं है, ठीक है, और गाइस आजकल कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, नेट के ऊपर कि यहाँ पे जो सैलरी पे भी टैक्स लगने वाला है, बट गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा, मैं आर्टिकल पढ़ चुका हूँ, ठीक है, सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी गाइस, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर से होगा, तो वो मैं आपको एक फिर एक वीडियो बना के आपको उसमें बताऊँगा, नेक्स्ट ईयर से गाइस टैक्स होगा, बट लेकिन वो सैलरी पे नहीं होगा, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।